भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म अध्याय 12 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावीशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाल ही रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। नारद जी ने कहा कि जब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के पास पहुंचे, देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर के करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनिया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु जी में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे तो फिर अरुज और अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख करके जलंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु जी को उद्धृत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार यहां पर कार्तिक माह के अध्याय 12 की कथा का समापन होता है।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदरी हमने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।